आप इस वीडियो में सीखोगे कि हम डेल के लैपटॉप में विंडो 10 कैसे डालते हैं। सबसे पहले हमने सीडी रूम में सीडी डालनी है, सीडी या डीवीडी, और फिर क्या करना है, इसको यहाँ से बंद करना है, रिस्टार्ट करना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू दबाना है, F12 इस की को कंटिन्यू प्रेस करना है। ऑन करना है और F12 कंटिन्यू प्रेस करना है। F12 F12 इसके बाद क्या करना है, इसको हमने सीडी से इसको सेलेक्ट करना है, सीडी डीवीडी। फिर क्या करना है, इंटर मारना है। अब स्क्रीन के ऊपर आया सीडी डॉट डॉट, दो डॉट हो जाए तो इंटर मारना है। अब इसमें विंडो 10 इंस्टॉल हो रही है। अब क्या करना है, लैंग्वेज की इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कंट्री सिलेक्ट करनी है, फिर नेक्स्ट करना है। फिर हमने क्या करना है, इंस्टॉल नो। अभी आप देख रहे हो कि विंडो इसमें इंस्टॉल हो रही है। कैसे हम डेल के लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल करते हैं, यह है डेल का i3 5th जनरेशन। इसके बाद ये कह रहा है कि आप इसमें की डालो, अगर आपके पास की नहीं है तो आप इसको स्किप करो, इधर है नीचे स्किप। उसके बाद हमने क्या करना है, विंडो हम प्रोफेशनल डाल रहे हैं इसमें 64 बिट, प्रोफेशनल 64 बिट। फिर क्या करना है, नेक्स्ट। इसके बाद हमने आई एक्सेप्ट करना है, सिलेक्ट करना है इसको, और फिर नेक्स्ट। अब आपने देखना है, अपग्रेड नहीं करनी है, हम करनी कस्टम इंस्टॉल, कस्टम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सी को फॉर्मेट मारते हैं। सी हमारा है सेकंड पार्टीशन, जो जीबी में होता है, एमबी में जो होता है वो उसका अपना होता है। तो हमने इसको क्या करना है, सी को फॉर्मेट मार दिया, जो पहले की विंडो है वो डिलीट होगी। तो कैसे फॉर्मेट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेट, तो नेक्स्ट। फिर हमने इसको सिलेक्ट करना है और फिर इसको नेक्स्ट करना है। ऐसे हम डेल के लैपटॉप में विंडो 10 इंस्टॉल करते हैं।
और इसके बाद आपने इसको फिनिश करना है, यूज़र नेम डालना है और ऐसे हमारी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। थैंक्स।